ये जो आप ब्लैक कलर की एलईडी देख रहे हैं, इसे हम फोटोडायोड कहते हैं, जिसका यूज हम लाइट सेंसिटिव सर्किट में करते हैं। जैसे कि मैंने इस सर्किट में इस फोटोडायोड का यूज किया है। जब इस फोटोडायोड को हम इस कैप से कवर करते हैं तो देखें आप एलईडी ये ग्लो हो जाती है। यही कॉन्सेप्ट हम स्ट्रीट लाइट में करते हैं। फोटोडायोड का यूज करते समय आपको इसकी बड़ी वाली पिन को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है बैटरी के, और इसको पॉजिटिव से कनेक्ट करना है। और ध्यान रहे ये 2 वोल्ट से ज्यादा आप इसे कनेक्ट ना करें, 2 से 3 वोल्ट से। अब हम इस सर्किट के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ये सर्किट डायग्राम है और ये मैंने ब्रेडबोर्ड पर इस सर्किट को बना दिया है। ब्रेडबोर्ड क्या होता है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें मैंने देखिए ये फोटोडायोड यूज़ करा है, ये एलईडी है, ये ट्रांजिस्टर है, ये रजिस्टर है, ये भी रजिस्टर है, और कुछ कनेक्शन वायर है। ये 3 वोल्ट हमने बैटरी का यूज़ किया है। इस सर्किट डायग्राम में देखें ये है एलईडी का सिंबल, यहाँ पर 2 एरो लगा देते हैं, इसका मतलब होता है रोशनी इसमें से निकलती है, एक ट्राइंगल और एक स्ट्रेट लाइन। ये जो आप देख रहे हैं इसे हम ग्राउंड कहते हैं। ये एक तरह से नेगेटिव, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होता है, यानी नेगेटिव यहाँ से भी और यहाँ से भी, बैटरी का हम नेगेटिव यहाँ से कनेक्ट करते हैं, पॉजिटिव यहाँ से। ये रजिस्टर का सिंबल है, ये 100 ओम का रजिस्टर है। और ये 1 किलो ओम का रजिस्टर यूज़ करा है, देखिए 100 ओम का, ये थोड़ा बड़ा यूज़ करा है मैंने, काफ़ी साइज़ में आते हैं ये, इससे भी छोटा आपको मिल जाएगा 100 ओम का, लेकिन मैंने थोड़ा बड़ा यूज़ किया है, आप चाहें छोटा वाला भी यूज़ कर सकते हैं। ये 0.5 वाट का है टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, और ये 0.25 वाट का है, 1/4 वाट का, यानी 1 किलो ओम का रजिस्टर यूज़ कर रहे हैं हम। देखिए जब इसको हम इस तरीके से ढकते हैं इस कैप को, तो ये देखिए एलईडी ग्लो हो जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है ये भी हम देखेंगे। इस समय, इस जब ये वीडियो बन रही है, तो इस समय सन की रेज इस डायोड पर गिर रही हैं, इस फोटो डायोड पर, और ये एलईडी बंद है। इसी कॉन्सेप्ट को हम स्ट्रीट लाइट में यूज़ करते हैं। जब लाइट चली जाती है तो वो रोड के साइड में जो लाइट्स लगी होती हैं वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाती हैं, उसमें यही कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं। देखते हैं ये सर्किट कैसे काम कर रहा है। देखिए 3 वोल्ट यहाँ पर दिया हमने, देखिए करंट एक तो यहाँ से भी जाएगी और एक करंट यहाँ से भी आएगी। ये फोटो डायोड का सिंबल बनाया है हमने, जिस पर एरो अंदर की तरफ है। जब लाइट इस पर गिरती है, तो मैंने बताया है आपको, नहीं पता तो आप समझ लीजिए, इसमें माइक्रो एम्पियर की करंट बनने लगती है। ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है, ये आप 12th क्लास में पढ़ोगे, लेकिन इतना सफिशियंट है इसको समझने के लिए। एक छोटी सी करंट बनती है इसमें माइक्रो एम्पियर की, और ये करंट जब इस रजिस्टर में से जाती है तो बेस इमीटर जंक्शन को ओपन कर देती है। यानी जब इस पर लाइट नहीं गिरेगी तो यहाँ पर करंट नहीं पहुँचेगी और हमारा ट्रांजिस्टर काम नहीं करेगा। जब इसके बेस को, ट्रांजिस्टर में 3 लेग्स होते हैं, 1, 2 और 3, यहाँ पर भी आप देखें 3 लेग्स मिलेंगे आपको। देखिए 1, 2, 3, ये ऊपर वाला है, ये हमारा कलेक्टर है, बीच वाला बेस है, नीचे वाला है हमारा ये इमीटर। ये हमने BC547 ट्रांजिस्टर यूज़ किया है, BC547, ये एक NPN ट्रांजिस्टर होता है। ट्रांजिस्टर के बारे में और अधिक जानना है तो उसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये जानना ज़रूरी है, यदि आप साइंस प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो इसका एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है, ये नहीं जी कि आपने जैसा YouTube पर देखा वैसे ही बना लिया, समझना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, तो जब इसको बेस करंट मिलती है तो ये ट्रांजिस्टर सैचुरेशन मोड में आ जाता है और करंट नीचे से उतरती है और ये नेगेटिव की तरफ चली जाती है। देखिए जब करंट नहीं बहेगी तो ट्रांजिस्टर में से करंट नहीं जाएगी, यानी लाइट जब नहीं गिरेगी इस पर तो ट्रांजिस्टर में से करंट नहीं जाएगी, और जाएगी कहाँ से, इस रजिस्टर के थ्रू इस LED में। और जब इस पर करंट गिरने लगती है तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से इसमें छोटी बहुत करंट बनती है, और वो करंट इसमें से गुजरती है जब लाइट इस पर गिरने लगती है, लाइट करंट गुजरती है, और जो करंट इस LED में से जा रही होती है वो नहीं जाकर वो ट्रांजिस्टर में से चली जाती है। इस तरीके से ये LED ऑफ रहती है और ट्रांजिस्टर में करंट चलती रहती है, जैसे इस समय इस कंडीशन में हो रहा है। इस केस में इस पर लाइट गिर रही है और वो माइक्रो एम्पियर की करंट इस ट्रांजिस्टर के बेस में से गुजरकर इस ट्रांजिस्टर को ऑन कर दे रही है, सैचुरेशन मोड में ला दे रही है, और LED ग्लो नहीं हो रही है। अब जब हम LED देखिए ऑफ कर देते हैं, इस पर हम ढक देते हैं, तो लाइट गिरना बंद हो जाती है और हमें करंट नहीं मिलेगी, और करंट नहीं मिलेगी तो ये LED में से करंट चली जाएगी। देखिए ये हमने ढक लिया, इसकी जगह आप बज़र भी यूज़ कर सकते हैं, मैं बज़र भी यूज़ करके दिखा दे रहा हूँ आपको। ये बज़र है मेरे पास, ये 5 से 10 रुपये का आ जाता है। देखिए इसमें भी एक बड़ी, एक लॉन्ग लेग है, एक स्मॉल लेग है, बड़ा वाला पॉजिटिव होता है, ये छोटा वाला नेगेटिव होता है। तो इसको हम लगा देते हैं यहाँ पर, ये लगा दिया है। अब देखिए अभी तो ट्रांजिस्टर में से करंट जा रही है, अब जब इसको ऑन करेंगे ऑफ, तो देखिए साउंड आ रही है।
आपके इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी डाउट हैं आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई देने के लिए। वीडियो यहां तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।